स्वागत एक बार फिर से आपका और फटाफट अगले स्टॉक बताते हैं ऑयल इंडिया, इसको ग्रीन में रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ऑयल एंड गैस पे, उसमें उन्होंने ऑयल इंडिया पे ओवरवेट रेटिंग देते हुए 323 रुपए का टारगेट रखा है, लगभग 70-80 रुपए ऊपर का टारगेट है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। मारुति ग्रीन में रखिए। यूबीएस अचानक से बहुत बुलिश हो गया है, 12,600 का टारगेट। हालांकि बात सही है, गाड़ियां बिकने लगी, कल हम लोग देख रहे थे 21% की ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल में, तो यहाँ पर रख सकते हैं। उनका मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोग कंपेलिंग है इसका, जो नई गाड़ी इन्होंने कई सारी लॉन्च की, एसयूवी इनकी जो है काफ़ी अपील लोगों के बीच में ले रही है, तो उसको ध्यान रख सकते हैं। नाइन्थ स्टॉक है प्रेस्टीज स्टेट, इस पर भी जेफरीज की रिपोर्ट है और वो 550 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि साउथ के मार्केट में कोई दिक्कत आ नहीं रही है और FY26 तक की जो है काफ़ी विजिबिलिटी है सेल्स को देखते हुए, और इन्होंने कई सारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वो बहुत सफलतापूर्वक बेचने में कामयाब हो रहे हैं। दसवां स्टॉक है वोल्टास, ये भी ग्रीन में, इसमें भी जेफरीज की रिपोर्ट है, 1050 का इन्होंने टारगेट दिया है, और वो हम लोगों वाली बात ही कहने लगे आशीष, गर्मी आ गई है। IMD का हवाला देते हुए बोला कि हीट वेव रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, 3 डिग्री ज्यादा होना है, 3 डिग्री ज्यादा इस बार टेम्परेचर। सर ये तो मोमेंट्री है, ग्लोबली 0.3 डिग्री बढ़ चुका है परमानेंट, परमानेंट। ये रिपोर्ट आई थी एक महीने पहले, हमने इसी शो में जिक्र किया था हम लोगों ने, 0.3 डिग्री परमानेंट बढ़ चुका है ऊपर, और इस समय US में एक तरफ चिलिंग कोल्ड है और एक तरफ हीट वेव चल रहे हैं, एक ही है देश में दो मौसम चल रहे हैं US में। उनका ठीक है, उनका तो टाइम भी है अलग अलग एक ही देश में। तो खैर चलो, वोल्टास में भी 1050 का टारगेट है, तो हो सकता है गर्मी लगे तो स्टॉक में भी गर्मी आ जाए, अब बताइए। अच्छा छोटे छोटे स्टॉक्स है भाई, सिर्फ खबरें हैं, सिर्फ वॉचआउट करना है आज, कोई आप एग्रेशन में मत उतरिएगा। खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी यही रिकमेंड बता रहा हूँ आपको। सौराष्ट्र सीमेंट प्रमोटर्स का जो प्लेज था 1 करोड़ शेयरों का HDFC बैंक के पास, पूरा का पूरा कल रिलीज होता हुआ। लेमन ट्री होटेल्स एक और करार कराए, मनाली हिमाचल में 34 कमरे की एक प्रॉपर्टी लेमन ट्री होटल ब्रांड के अंतर्गत आएगी, जो कि बस गर्मियों की छुट्टियों के लिए ऑपरेशनल है, जून गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी, दरअसल जून में ऑपरेशनल होती हुई नजर आएगी। पेनिनसुला लैंड, कल वो बोर्ड मीट थी, पैसे स्टॉक उस बोर्ड मीट से पहले काफी हरकत दिखा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा टिकट साइज वाला काउंटर है। बोर्ड ने कल प्रमोटर्स को, प्रमोटर एंटिटी एक मिरांडा टूल्स, उनको शेयर्स और वारंट जारी करने, 1.45 करोड़ शेयर्स और 1.53 करोड़ वारंट, दोनों मौजूदा भाव से ऊपर 14 रुपए पे। विशाखा इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी, आज बोर्ड मीट है, स्टॉक स्प्लिट पर आज इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। वैसे इस कंपनी के इस समय फेस वैल्यू जो शेयर्स की वो 10 रुपए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।